हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक आई क्यू। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 313। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, ये आपके पास एक पजल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। सो इसमें गिवन क्या है, उसने बोला है कि 8 पर्सन जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल, 4 ऑफ देम आर फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर वाइल 4 ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ओके, 4 ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर्स एंड रिमेनिंग 4 आर सिटिंग एट द साइड्स। ठीक है, मतलब कि आपके पास टोटल कितने 8 लोग हैं जो कि एक स्क्वायर टेबल पर बैठे हुए हैं। मैं दो पॉसिबिलिटी पहले बना लेता हूँ। ठीक है, आपके पास स्क्वायर टेबल है, इनमें से कुछ लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं। 4 लोग बैठे हुए हैं कॉर्नर पर, 4 लोग बैठे हुए साइड पर। सिमिलरली इसमें भी बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कंडीशंस लिखते हैं। क्या बोला उसने कि बोथ द नेबर्स ऑफ बी फेसेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, बी के जो दोनों नेबर्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में देखते हैं। ठीक है, उसके बाद डी सेट्स 4th टू द राइट ऑफ एच। डी 4th टू द राइट है इसका, ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। ठीक है, उसके बाद ई इज सिटिंग 2nd टू द लेफ्ट ऑफ ए। ई कहाँ पर है, वो 2nd टू द लेफ्ट है किससे, ए से। ठीक है, उसके बाद हु फेसेस द सेम डायरेक्शन एज एफ। ए और एफ सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बोथ जी एंड डी फेसेस इन दी सेम डायरेक्शन। ओके, जी और डी सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ई इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। ई कहाँ पर है, इमीडिएट लेफ्ट में डी से। ओके, उसके बाद जी सिट्स 4th टू द राइट ऑफ एफ हु डजंट सिट्स इन द मिडल ऑफ द मिडल ऑफ द टेबल। ठीक है, जी कहाँ पर है, वो 4th टू द राइट है, मतलब ऑब्वियसली जी ऑपोजिट होगा किससे, एफ से। ठीक है, और F कहाँ पर नहीं है, F आपके पास मिडिल पर नहीं है, मतलब F कॉर्नर पर होगा। और अगर F कॉर्नर पर है इसका मतलब ऑब्वियसली आपके पास G भी कहाँ पर होगा, वो कॉर्नर पर होगा। ठीक है, उसके बाद F डज नॉट फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब F कहाँ देख रहा है, वो सेंटर की तरफ देख रहा है। ठीक है, उसके बाद C सिट्स एडजेसेंट टू G हु फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू C। C एडजेसेंट है G का और ये दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शंस में देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद B फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ C, B ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं किससे, C से। एंड सिट्स 2nd टू द लेफ्ट ऑफ C, B कहाँ पर है, 2nd टू द लेफ्ट है किससे, C से। ठीक है, उसके बाद C इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ D, C कहाँ पर है, इमीडिएट राइट में किससे, D से। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो अब इसका हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँ, हम एक चीज़ जानते हैं ना कि जी और एफ आपके पास का कॉर्नर पर बैठे हैं, तो मान लेते हैं आपके पास जी यहाँ पर है, तो एफ आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, जी यहाँ पर है, एफ आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एफ कहाँ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सी और जी क्या है, दोनों नेबर्स हैं और ऑपोजिट डायरेक्शंस में देख रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको बनाते हैं। मान लेते हैं, देखिए आपके पास एक सी यहाँ पर है और एक सी यहाँ पर है। ठीक है, हम एक चीज़ जानते हैं ना कि सी आपके पास कहाँ पर है, देखिए वो डी के इमीडिएट राइट में, इसका मतलब डी आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, इसके इमीडिएट राइट में सी है, डी आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, इसके इमीडिएट राइट में सी है। डी के इमीडिएट लेफ्ट में क्या है आपके पास, ई है, तो ई आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, ई आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम बनाना चाहते हैं कि सी के 2nd टू द लेफ्ट आपके पास बी है, तो सी के 2nd टू द लेफ्ट बी आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, सी के 2nd टू द लेफ्ट बी आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। ये बाहर की तरफ देखिएगा, ये आपके पास यहाँ पर सेंटर की तरफ देखिएगा। ठीक है, सी और आपके पास जो बी है वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में देख रहे हैं, मतलब ये बाहर की तरफ देखिएगा। सिमिलर केस सी और जी का भी है, ये भी बाहर की तरफ देखिएगा। इस केस में ये अंदर की तरफ, ये भी अंदर की तरफ देखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखिए
डी के ऑपोजिट कौन है? एच है, तो एच आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, एच आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, रिमेनिंग क्या है? ई, ई आपके पास यहाँ पर आ गया, ई आपके पास यहाँ पर आ गया। अब देखिए ए के सेकेंड टू द लेफ्ट आपके पास क्या है? ई है, और ए और एफ सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, इसका मतलब ये सेंटर की तरफ देखिएगा और ये आपके पास ये भी सेंटर की तरफ देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से तो ये आपके पास कंडीशन गलत हो जाएगी, ये आपके पास कंडीशन सही है, इसके सेकेंड टू द लेफ्ट है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम बात करें तो बी के दोनों नेबर्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में देख रहे हैं, इसका ये सेंटर की तरफ देखिएगा। अब सेंटर वाले देखिए चार हो गए, तो ये आपके पास कहाँ देखिएगा? बाहर की तरफ देखिएगा, ठीक है। ये आपका फाइनल डायग्राम बनेगा, क्लियर है? आई होप आपको समझ में आएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ओके इस क्वेश्चन में क्या है, उसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड बी रिप्लेस विथ क्वेश्चन मार्क इन द एक्सप्रेशन और टू मेक दिस एज वेल एज दिस डेफिनेटली ट्रू। ओके तो आर इज़ लेस देन वी के लिए अगर हम बात करें, आपके पास यहाँ पर जो डोमिनेट साइन करना चाहिए वो ये करना चाहिए, तो ये तो हो नहीं सकता है, ठीक है। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। सिमिलरली फिर अगर हम बात करें कि टी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू यू, मतलब यहाँ पर आपके पास इन दोनों में जो साइन डोमिनेट करना चाहिए वो ये साइन डोमिनेट करना चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो जाएगा, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ओके इस क्वेश्चन में क्या है, उसने कोड्स कुछ दिए हुए हैं, बताया क्या कि पॉइंट ए कहाँ पर है, देखिए वो 15 मीटर्स ईस्ट में है बी से। ओके पॉइंट ए 15 मीटर्स ईस्ट में है पॉइंट बी से, ओके पॉइंट सी इज 20 मीटर्स साउथ में है किससे? बी से। पॉइंट सी कहाँ है? वो साउथ में है बी से 20, ठीक है। उसके बाद पॉइंट डी कहाँ पर है? पॉइंट डी इज 10 मीटर्स नॉर्थ ऑफ सी। पॉइंट डी कहाँ पर है? 10 मीटर्स नॉर्थ ऑफ सी है, मतलब डी आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है 10 मीटर्स। उसके बाद उसने बोला कि पॉइंट ई इज 10 मीटर्स ईस्ट ऑफ पॉइंट डी। ओके पॉइंट ई कहाँ पर है? वो आपके पास 10 मीटर्स ईस्ट में है, मतलब यहाँ पर, ठीक है। किससे? पॉइंट ई से, सॉरी पॉइंट डी से। कितना हो जाएगा ये आपके पास? 10। उसके बाद पॉइंट एफ इज 5 मीटर्स ईस्ट ऑफ ई। ओके 5 मीटर्स ईस्ट है, मतलब यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। ये आपके पास पॉइंट क्या एफ है? 5। उसके बाद व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू ए? ओके और अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ, देखिए ये तो साउथ में, पहली चीज़ साउथ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? हैच हो जाएगा। और कितना डिस्टेंस है? 10। 10 मतलब कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस हैश डी वन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ओके इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, उसने बोला है कि इफ़ ऑल अल्फ़ाबेट्स इन ईच वर्ड अरेंज एज दे अपीयर इन अल्फाबेटिकल सीरीज देन अकॉर्डिंग टू न्यू अरेंजमेंट विच वर्ड कम्स सेकेंड लास्ट टू देयर अपीयरेंस इन डिक्शनरी। ओके उसने बोला कि अगर हम सबको अरेंज करें अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग विद इन अ वर्ड, मतलब कि जैसे कि ये ए से स्टार्ट होगा, ये आपके ई से स्टार्ट होगा, सॉरी सी से स्टार्ट होगा, ये ओ से स्टार्ट होगा, ये ई से स्टार्ट होगा, ये ए से स्टार्ट होगा, तो हमें बताना क्या है कि सेकेंड लास्ट कौन आएगा। तो देखिए सबसे एंड में आपके पास ओ, उसके बाद ई, मतलब डी वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए उसने बोला कि हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर बिटवीन थर्ड लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड एंड सेकेंड लेटर ऑफ फोर्थ वर्ड। ओके तो थर्ड लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड मतलब ई एंड सेकेंड लेटर ऑफ फोर्थ वर्ड मतलब एस, इन दोनों के बीच का हमें बताना है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 5, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 19, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 14, 14 माइनस 1 13, ठीक है। आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।